गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हम लोग बायोसावर्ट पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे इस वीडियो में। और न्यूमेरिकल फर्स्ट है, अ वायर प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर। बेटा सबसे पहले हम यहाँ पर डायरेक्शनल सिंबल बना लेते हैं कि नॉर्थ और साउथ में इस जब फिगर ड्रॉ करें तो हमारा जंक्शन किधर होना चाहिए। तो ये है हमारा नॉर्थ, यह है साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ये बेटा डायरेक्शनल सिंबल है या कह सकते डायरेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। तो बोल रहा है अ वायर इज प्लेज अलोंग द नॉर्थ साउथ, एक वायर है बेटा और उसे प्लेज किया गया नॉर्थ और साउथ में, नॉर्थ और साउथ में प्लेज किया गया ये इस तरीके से, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट ऑफ 8 एम्पीयर। और नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में बेटा यहां पर करंट जा रही है, प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन कैरीज अ करंट एट 8 एम्पीयर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ बेटा करंट जा रहा है, तो ये करंट का डायरेक्शन होगा, ये करंट का डायरेक्शन। और कितना जा रहा है बेटा, जा रहा है 8 एम्पीयर, 8 एम्पीयर का करंट। फिर बोल रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ द वायर एट द पॉइंट ऑफ 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। बोल रहा है कि जो ये बेटा हमने एलिमेंट लिया है, ये एलिमेंट यहां पर रेड चॉक ले लेता हूं बेटा मैं, रेड चॉक, ये बोल रहा है पीस ऑफ द एलिमेंट जो हमने करंट एलिमेंट लिया है, ये इसकी लेंथ बोल रहा है कि ये आपकी होनी चाहिए डीएल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। बट ये भी साथ में बोल रहा है बेटा कि उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड आप कैलकुलेट करो जो इस वायर से 200 सेंटीमीटर दूर हो बट नॉर्थ और ईस्ट में हो। नॉर्थ और ईस्ट का मतलब बेटा ये डायरेक्शन, तो नॉर्थ और ईस्ट में है तो हमें यहां पर ये डायरेक्शन मिलेगा नॉर्थ और ईस्ट, और ये हमारा पॉइंट हो गया बेटा पी। इस पी पॉइंट, ये पी पॉइंट का लोकेशन कहां पर है बेटा, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। और इसी पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है, इट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें कैलकुलेट करना है। और ये डिस्टेंस बेटा चक, ये डिस्टेंस बोल रहा है कि 200 सेंटीमीटर है, इट मींस ये डिस्टेंस आर इक्वल टू हुआ, ठीक बेटा आर इक्वल टू। तो एक बार क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया है बेटा तो ठीक है, फिर मैं इसको रिवीजन भी कर दे, रिपीट भी कर दे रहा हूं। अ वायर प्लेज अलोंग द नॉर्थ साउथ, एक वायर नॉर्थ और साउथ में रखा गया बेटा, ये हमारा नॉर्थ है और ये साउथ है, और बोल रहा है कि इसमें करंट फ्लो हो रही है 8 एम्पीयर की, बट जो करंट की डायरेक्शन है बेटा वो बोल रहा है कि साउथ टू नॉर्थ है, साउथ से नॉर्थ की ओर करंट जा रही है, इट मीन्स ये करंट की डायरेक्शन है, आई की डायरेक्शन ये है ये। फिर बोल रहा है कि इस वायर में एक करंट एलिमेंट है जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है और उससे नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में 200 सेंटीमीटर पर आप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करो। हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू द एलिमेंट व्हिच इज लेंथ ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो वी नो दैट बायो सेवर्ट ला बेटा क्या है, बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन आर स्क्वायर। जी बेटा ये फार्मूला जानते हैं, यहां से हमें कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड पूछ रहा है बेटा,
तो बेसिकली मैग्नीट्यूड के लिए इसे हमें थीटा भी कैलकुलेट करना होगा। तो थीटा हम यहां पर कलरफुल चार्ट से यहां लिखता हूं, थीटा भी हमें यहां पर मालूम है बेटा, ये थीटा देखिए, ये नॉर्थ और ईस्ट 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है बेटा। बट बोल रहा है कि जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है नॉर्थ और ईस्ट इससे डायरेक्शन में है, तो ये बेसिकली इस वायर से ये कितने एंगल पर हो गया, 55 डिग्री। तो ये हमें मालूम है कि ये भी 55 डिग्री है। तो मैग्नीट्यूड के लिए बेटा हमें करना क्या होगा, वेक्टर बी इक्वल टू, हमें बी डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इनटू आई डी एल इनटू आर साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इनटू जो यहां पर, चलो ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और यहां पर बेटा एक फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर आर करके, तो यूनिट वेक्टर आर की अगर हम वैल्यू लिखें तो यहां पर हम बेसिकली सीधा सा आर क्यूब लिख सकते हैं बेटा, ठीक है, आर क्यूब, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप आर मॉड ऑफ आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, ये लिखने का तरीका है बेटा यहां पर। तो आप क्या करोगे, यूनिट वेक्टर आर हटाओगे बेटा, तो यहां से यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू, यूनिट वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर, यूनिट वेक्टर आर हटाओगे तो वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर हो जाएगा, जो कि आर क्यूब हो जाएगा, और एक आर यहां से कैंसिल होकर हमें बायो सावर्ट लॉ कुछ इस फॉर्म में मिलेगा जो मैं लिखने चल रहा हूं, डी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल, और बेटा एक आर से यहां कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, यहां पर केवल आर स्क्वायर इसी फॉर्म में मिलेगा बेटा। तो बायो सावर्ट लॉ आप जब अप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होकर आएगा, डेल वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू बेटा 10 टू दी पावर माइनस 7 और होता है टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर, यहां पर आई की वैल्यू आप देखिए 8 एम्पियर है बेटा, 8 एम्पियर डेल एल, इस एलिमेंट की वजह से यहीं पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा, तो डेल एल इज इक्वल टू क्या होगा 1 सेंटीमीटर, दिस इज द सीजीएस यूनिट, अगर ये सीजीएस यूनिट है तो हम इसे एमकेएस में कन्वर्ट करें बेटा तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर। तो यहां पर डेल एल की वैल्यू 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 2 मीटर और साइन थीटा की वैल्यू बेटा साइन 45 डिग्री अपॉन ये आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का मतलब ये भी देखिए 200 सेंटीमीटर है, तो 200 सेंटीमीटर को 200 सेंटीमीटर को बेटा मीटर में कन्वर्ट करेंगे माइनस 2 मीटर हो जाएगा, और फिर ये यहां पर इस वैल्यू को रखेंगे 200 10 टू दी पावर माइनस 2 और होल स्क्वायर, आगे सॉल्व करेंगे 10 टू दी पावर माइनस 7 डी वी इक्वल टू और बेटा 8 और 10 टू दी पावर माइनस 2 और साइन 45 की वैल्यू बेटा होती है 1 अपॉन रूट 2 इंटू 210 टू दी पावर माइनस 2 को बेटा बेसिकली 2 लिख सकते हैं और 2 का स्क्वायर होगा तो यहां पर 4 हो जाएगा, 4 टू जा 8 और डीबी इक्वल टू यहां से डीबी इक्वल टू 10 टू दी पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 बाई रूट 2, डीबी इक्वल टू रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो रूट 2 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 9 या डीबी इक्वल टू 1.414 10 टू दी पावर माइनस 9 बेटा कहां से आया ये, अच्छा ठीक माइनस 9 और यहां से ये हो जाएगा टेस्ला, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द न्यूमेरिकल फर्स्ट। बेटा यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आप बताना चाहते हैं तो राइट हैंड को आप लीजिए और राइट हैंड में
करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में आप अपने थंब को कीजिए और अपने फोर फिंगर को कर्ल करो। ऐसे कर्ल करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। तो हमने ऐसे रखा और कर्ल किया तो यहां पर क्या मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इनसाइड। तो इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ गया, इट मींस यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, इनसाइड होगा एट द पॉइंट पी, एट द पॉइंट पी, पी पर इनसाइड होगा बेटा। और आप वैसे भी देखिए कि हमने बायो सावर्ट लॉ में बताया है कि जिस किसी भी पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा वो उस वायर से और उस पॉइंट से बिल्कुल परपेंडिकुलर होगा। सपोज कर लेते हैं बेटा कि ये एक वायर है, नॉर्थ टू साउथ ऐसे करंट जा रहा है और इससे 45 डिग्री पर आपको मैग्नेटिक फील्ड, ये 45 डिग्री पर कैलकुलेट करना था, और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया है बिल्कुल इसके इस पॉइंट ऐसे चला जाता है, ये पॉइंट ऐसे इसके बिल्कुल ऐसे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये इस वायर से भी परपेंडिकुलर और इस वायर से भी परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड आया और इन साइड में बेटा, इन साइड में। और बेसिकली इस न्यूमेरिकल में हमने डेल वी यूज किया है बेटा। डेल वी क्या चीज है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो एक एक पॉइंट को देख लें। डेल वी यहां पर बेटा क्वेश्चन में इसने कह दिया है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक स्मॉल पीस की वजह से जो एक सेंटीमीटर है। बेसिकली उसने दिया तो एक वायर है, ठीक है, जो अलोंग द नॉर्थ साउथ रखा हुआ है, बट आपको जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि स्मॉल एलिमेंट की वजह से डेल एल 1 सेंटीमीटर की वजह से है, तो एक छोटे एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो बहुत छोटी आएगी, इसलिए हमने डेल भी यूज किया है। टोटल वायर के लिए अगर ये बोला होता कि इसकी लेंथ 0 to 100 सेंटीमीटर, 10,000 सेंटीमीटर, हम इसी को इंटीग्रेट करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं, टोटल वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड आ जाता, बट यहां पर एक छोटे एलिमेंट के लिए है तो हमने डेल भी यूज कर लिया है। तो ये आपका बेटा फर्स्ट न्यूमेरिकल है और इसका डायरेक्शन भी आप समझिए। और आपको एक चीज हाँ और बता दें बेटा, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो हमें सबको पता है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं और आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या है बेटा, क्यों डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, बस समझने के लिए हम अपने दिमाग में यह कॉन्सेप्ट रखें कि इनसाइड को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आउटसाइड को कैसे रिप्रेजेंट करना है। सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा एक धनुष है, भगवान श्री राम वाला कोई बात नहीं बेटा, किसी की भी धनुष हो सकती है, ये धनुष है और ये इस पर एक बाण रखा हुआ है, एरो। अगर ये छोड़ दिया गया एरो, ये एरो ऐसे खींचकर छोड़ दिया गया तो हमसे एरो किधर जाएगा, हमारी ओर आएगा कि दूर जाएगा, तो अवे फ्रॉम द पॉइंट, इस पॉइंट से दूर जाएगा, तो हमें उस एरो का कौन सा पार्ट दिखेगा, हेड या टेल। तो हमें बेटा उस एरो का जो पार्ट दिखेगा वो क्या है, टेल, टेल है, तो वो टेल दिखेगा। तो बेटा टेल दिखेगा तो इसका मतलब क्या है कि एरो हमसे दूर जा रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। तो अगर हम सपोज कर ले कि यहां एक प्लेन ऑफ पेपर है तो उस प्लेन ऑफ पेपर में क्या हो जाएगा, इन साइड जाएगा, या हम ऐसे खींच कर छोड़ दें तो हमारी तीर क्या होगी, इस बोर्ड के अंदर एंट्री कर जाएगी, इन साइड द प्लेन, इन साइड द बोर्ड। तो इन साइड द बोर्ड और हमें उस एरो का क्या दिखा, ये टेल दिखा। तो हम इन साइड मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम उस एरो के टेल को या इस एजम्पशन को ले सकते हैं कि इससे हमें रिप्रेजेंट करना है। फिर क्या है कि आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम यहां डॉट से क्यों लिखते हैं कि अगर ये तीर ऐसे मार दिया और उधर एक व्यक्ति खड़ा है, तीर ऐसे आ रहा है, तो हमें उस तीर का क्या दिखेगा बेटा, वो पॉइंटर दिखेगा, पॉइंट, उसका नोक दिखेगा जो हमें एंट्री करने वाला है। तो हम आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड को हम यही जो इसका डॉट पॉइंट है इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बेसिकली बेटा कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी में। एन एलिमेंट डेल एल है,
एक डेलेल एलिमेंट है और उस डेलेल एलिमेंट को करना क्या है, ये डेलेल एलिमेंट है सपोज कर लेते हैं, और इस डेलेल एलिमेंट की लेंथ है डेल एक्स आई, बोल रहा है इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, और ये ओरिजिन पर रखा हुआ है, इट मींस सपोज कर लेते हैं एक्स एक्सिस और यहां पर ये वाई एक्सिस, कैरीज अ लार्ज करंट आई इक्वल टू 10 एम्पियर, और इसमें जो करंट जा रहा है बेटा वो आई इक्वल टू 10 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा एट द डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर, और ये डिस्टेंस बेटा बोल रहा है कि आपका 0.5 मीटर है, इट मीन्स ये डिस्टेंस जो है वो आपका आर है, और डेल एल की वैल्यू डेल एक्स इक्वल टू डेल एक्स डेल एल वेक्टर डेल एल इज इक्वल टू डेल एक्स और यूनिट वेक्टर आई, यहां डेल एक्स की वैल्यू भी दे रहा है कि आप ले सकते हैं डेल एक्स इज इक्वल टू बेटा 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर मीन्स बेटा 10^-2 मीटर, और यहां पर ये मीटर में है ही है, आपको सिर्फ इतना कैलकुलेट करना है बेटा ओरिजिन कैरिज व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बेटा हम सब लोग जानते हैं कि बायो सावर्ट लॉ क्या होता है, बायो सावर्ट लॉ फ्रॉम बायो सावर्ट लॉ B इक्वल टू म्यू नॉट 4 pi इंटू आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन यूनिट वेक्टर आर होल क्यूब, सॉरी वेक्टर आर मॉड ऑफ वेक्टर आर होल क्यूब यूनिट वेक्टर आर, हम सब लोग जानते हैं यूनिट वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन मॉड ऑफ आर, सॉरी बेटा ये स्क्वायर होता है, और फिर यहां से b इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 pi आई ए क्रॉस b होता है बेटा डेल आर डेल एल इंटू आर और साइन थीटा, ए क्रॉस b इक्वल टू क्या होगा ए बी साइन थीटा, वैसे डेल एल क्रॉस r इक्वल टू क्या होगा बेटा डेल एल r साइन थीटा, और वेक्टर r की वैल्यू जो होगी वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहां से यूनिट वेक्टर आर की वैल्यू हम मॉड ऑफ आर अपान आर लिख सकते हैं, तो वेक्टर आर अपान आर और वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 pi, और यहां से अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसका भी मॉड हम लगा सकते हैं बेटा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, अभी इसको ऐसे ही रहने दें, तो ये हो जाएगा आई डेल एल आर साइन थीटा अपान आर आर यहां से आर स्क्वायर और आर आर क्यूब और वेक्टर आर हो गया, जो वेक्टर आर है ये बताएगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन यहां पर है, तो यहां से हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें मॉड लगाना होगा या डायरेक्टली हम फार्मूला जानते हैं म्यू नॉट अपान 4 pi और आई डेल एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर, ये इस फार्मूले से बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आएगा, मैग्नेटिक फील्ड की यहां से मैग्नीट्यूड आ जाएगी, तो बी इक्वल टू इसकी वैल्यू होती है 10^-7 टेस्ला मीटर अपान एम्पियर, और आई की वैल्यू यहां से देखिए बेटा आई की वैल्यू 10 एम्पियर, डेल एल की वैल्यू आप देखिए डेल एल की वैल्यू जब आप सॉल्व करके लाएंगे तो यहां से 0 सॉरी 10^-2
और आई हो जाएगा। तो बेसिकली हम चाहें तो बेटा वेक्टर ला से भी लगा सकते हैं, और यहां पर वेक्टर ला से लगाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। तो वेक्टर ला से ही हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं बेटा, यानी कि ये फार्मूला अप्लाई कर लेते हैं। ये फार्मूले की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10 to the power -7। आई की वैल्यू बेटा हम सब लोग जान यहां पर देख रहे हैं 10 एम्पियर। डेल एल की वैल्यू देखिए बेटा, डेल एल की वैल्यू आप देखेंगे तो 10 to the power -2 और आई है डेल एल, वेक्टर डेल एल इक्वल टू, तो वेक्टर डेल एल इक्वल टू 10 और आई क्रॉस क्या है बेटा आर, और आर की वैल्यू यहां पर और वाई एक्सिस के रिफरेंस में है, तो इसका जो वेक्टर आर होगा बेटा वो 0.5 और जे होगा। तो 0.5 जे अपॉन, यहां से फार्मूला था डेल एल क्रॉस आर और मॉड ऑफ वेक्टर आर होल स्क्वायर, तो यहां पर आर की वैल्यू लिखी जाएगी 0.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहां से b इक्वल टू बेटा 10 to the power -7 इंटू 10 और 10 इंटू 5 बेटा कितना हो जाएगा 5 और i क्रॉस j हो जाएगा और i क्रॉस j के बाद 0.25। यहां से 10 to the power -7 10 और 5 i क्रॉस j इक्वल टू k होता है बेटा और इस तरीके से 0.25। तो b इक्वल टू ये कैलकुलेट होगा तो 0.05 और यहां से ये कैलकुलेट होगा तो ऊपर 100, तो यहां से कैलकुलेट ही कर लेते हैं 5 × 10 to the power -7 इंटू यूनिट वेक्टर के और ये 5 × 10 = 200। बी इक्वल टू 2 × 10 to the power -5 यूनिट वेक्टर के। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है बेटा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड जो आया वो मैग्नीट्यूड तो 2 × 10 to the power -5 टेस्ला आ गया, बट जो डायरेक्शन है वो यूनिट वेक्टर के का मतलब क्या हुआ कि ये इस वाले प्लेन, ये प्लेन है, ये प्लेन है, इससे मैग्नेटिक फील्ड के का मतलब ये परपेंडिकुलर दोनों एक्सिस से और आउटवर्ड द बोर्ड, बोर्ड से आउटवर्ड है तो के आ गया है। ये डायरेक्शन बताएगा कि आई इस डायरेक्शन में जा रहा है, जे इस डायरेक्शन में और के इस डायरेक्शन में है और आउटवर्ड को बेटा यहां पर ये आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। यहां से देखें पाम रूल से भी यहां मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, बस आपको राइट हैंड लेना है और उस डायरेक्शन में थंब को कर देना जिधर करंट फ्लो हो रही है। तो जिधर करंट फ्लो हो रहा है ऐसे रखेंगे बेटा ऐसे, और हम अपने इस फोर फिंगर को ऐसे कर्ल करेंगे, तो यहां पर देखें इस वाले पॉइंट पर ऐसे ऐसे कर्ल करेंगे तो आउटवर्ड का मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो आउटवर्ड का मतलब के यहां पर आ भी गया, मैथमेटिकली सॉल्यूशन से भी के आ गया, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा बेटा। मैग्नेटिक फील्ड को और भी एक मेथड से यहां कैलकुलेट कर सकते हैं बेटा, जैसे हम लोग देखें कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को डेल एल क्रॉस आर से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये एक्स एक्सिस है बेटा तो इसके अलोंग जो कंपोनेंट है वो डेल एल है, डेल एल की वैल्यू डेल एक्स आई है, तो ये अगर वाई एक्सिस है तो इसके अलोंग जो वैल्यू है वो क्या है वाई जे, वाई जे सपोज कर लेते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वाई जे है, दोनों वैल्यू को रखो तो डेल एल की वैल्यू बेटा यहां पर क्या है डेल एक्स आई और क्रॉस आर की वैल्यू क्या है वाई और जे, तो डेल एक्स वाई आई क्रॉस जे, और हम सब लोग जानते हैं बेटा कि ये आई है ये जे है और ये अगर के है तो आई क्रॉस जे इक्वल टू के, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के इक्वल टू आई, के क्रॉस आई इक्वल टू जे, तो ये यहां से होता है ये जैसे आई क्रॉस जे इक्वल टू के, या हम कह सकते हैं कि जे क्रॉस के
इक्वल टू आई या के क्रॉस आई इक्वल टू जे, ये साइक्लिंग में चलता है। तो यहां से क्या आ गया बेटा, ये आ गया डेल एक्स वाई और यूनिट वेक्टर के। तो के क्या यहां पर इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहां पर के यहां पर भी आ गया, और जिसका मैग्नीट्यूड 2 × 10⁻¹⁵ टेस्ला है, और ये शो कर रहा है बेटा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, अ स्मॉल करंट एलिमेंट आई डेल एल विथ डेल एल इज इक्वल टू वेक्टर डेल एल इज इक्वल टू 2 के यूनिट वेक्टर मिलीमीटर। ध्यान रहे बेटा ये लेंथ आपको मिलीमीटर में गिवन है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी में गिवन है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एंड आई इक्वल टू 2 एम्पियर इज सेंटर्ड एट द ऑरिजिन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द फॉलोइंग पॉइंट। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपका करंट एलिमेंट कौन से डायरेक्शन में है। तो आपका करंट एलिमेंट आई डेल एल विथ डेल एल इज इक्वल टू 2 के। तो ध्यान रहे बेटा, सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और इस तरीके से ये ज्योमेट्रिकल एक्सिस है, और ये आपका ओरिजिन होगा। इसको और थोड़ा सा अभी डार्क ना करें, ये बेटा वाई एक्सिस, ये आपका जेड एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ओरिजिन है ये ओ। यहां पर जो गोल रहा है वही करते चलते हैं बेटा। स्मॉल एलिमेंट है आईडीएल, और वो जो डीएल वेक्टर डीएल है वो 2 के है। यहां पर ये एलिमेंट है जो डीएल है, यूनिट वेक्टर डीएल और 2 के, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। बोल रहा है कि करंट जो इसमें फ्लो हो रही है, ये करंट जो है बेटा वो आई इक्वल टू 2 एम्पियर है, आई इक्वल टू 2 एम्पियर है, इज सेंटर एट द ओरिजिन। और ये सारा प्रोसेस या ये सेंटर पर रखा हुआ है, ओरिजिन पर रखा हुआ है एक्स वाई जेड एक्सिस के। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू कैलकुलेट करना है विद सम पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट है एक्स एक्सिस से 3 मीटर पर। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा यहां इसको वाई एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं और इसको एक्स एक्सिस एज्यूम कर लेते हैं। एक्स एक्सिस से 3 मीटर पर, 3 मीटर पर, तो सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट है, और यहां पर ये एक्स एक्सिस पर 3 मीटर, इट मींस आर इक्वल टू 3 मीटर। तो आर इक्वल टू 3 मीटर पर सपोज कर लेते हैं कि यहां पर ये पी पॉइंट है जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है बेटा। ये पी पॉइंट है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो फार्मूला आप लगाइए मैग्नेटिक फील्ड का। तो आपको एक फार्मूला मालूम है बेटा, बायो सावर्ट लॉ या फ्रॉम द बायो सावर्ट लॉ आपको पता है बी इक्वल टू बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और आई डेल एल क्रॉस आर इंटू वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर यूनिट वेक्टर आर। ये आपको फार्मूला मालूम है, ये स्क्वायर होता है बेटा, तो इसी में आपको रखना भी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बी नो दैट द बायो सावर्ट लॉ वेक्टर बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल एल क्रॉस आर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब, और b इक्वल टू बेटा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁷, i की वैल्यू यहां से देखें बेटा 2 एम्पियर, और डेल एल की वैल्यू यहां से 2 के,
और क्रॉस आर की वैल्यू बेटा देखिए, आर की वैल्यू आपको यहां से मिलेगी 3i और मॉड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब है, तो यहां से 3 का होल क्यूब करेंगे बेटा, 3 का होल क्यूब सॉल्व होकर क्या आएगा, 2 जा यहां से देखें 10^-7, 2 कॉमन कर लेंगे, 3 2 6 आ जाएगा और अंदर में k क्रॉस i बचेगा और अपान 3 3 9 27 और 6 2 12 अपान 27 10^-7 k क्रॉस i जो होता है बेटा वो j होता है और वेक्टर b इक्वल टू 3 4 3 9 4/9 10^-7 j एंड मॉड वेक्टर b इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करेंगे तो 0.0444 आएगा, 0.444 10^-7 j और b इक्वल टू बेटा बेसिकली यहां 4.44 10^-7 j होगा। तो ये इस तरीके से आंसर आएगा, आगे हम इसी में देखें, इसका सेकंड पार्ट है। हाँ बेटा एक चीज और, यहां पर आपको जो डेल एल है वो मिलीमीटर में गिवन है, तो डेल एल जो है वो मिलीमीटर में गिवन है, इट मींस ये 10^-3 meter 10^-3 meter 10^-3 meter और 10^-3 meter 10^-3 meter ये आपका चलता रहेगा और फाइनली जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा 4.44 10^-, यहां से हो जाएगा 10, तो ये हो गया है 8, ये हो गया है 11, ये टेस्ला हो जाएगा बेटा, टेस्ला यहां बेटा 7 है ना, डेसिमल एक पॉइंट राइट हैंड साइड गया है, तो राइट हैंड साइड अगर डेसिमल गया है तो क्या होगा, फिर माइनस में डिग्री इंक्रीज करेगी, माइनस में डिग्री इंक्रीज करेगी तो 10^-8 हो जाएगा 7 से और फिर ये ऐड हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो ये आपका इस क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेट हुआ बेटा। नेक्स्ट इसी का सेकंड पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट बेटा, ऑन द एक्स एक्सिस एट एक्स इक्वल टू -6 meter, तो एक्स एक्सिस पर -6 meter लेना है, यहां पर बेटा यही डिस्टेंस आपको -6 कर देना है, यानी कि ये फिगर थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा सा चेंज होगा और चेंज फिगर को देखें, ये है एक्स, सॉरी ये है जेड एक्सिस और ये आपका है एक्स एक्सिस और ये है आपका -x एक्सिस, ये आपका ओरिजिन है ओ, आपका डेल एल भी वही है, डेल एल वही है, करंट भी उसमें उतना ही फ्लो हो रहा है i = 2 एम्पियर, बट चेंज इतना ही है बेटा, डेल एल इज इक्वल टू कितना है i डेल एल इक्वल टू 2k, 2k यूनिट वेक्टर मिलीमीटर में है, या आप ऐसे भी लिख सकते हो 2 × 10^-3 यूनिट वेक्टर के मीटर। यहां पर एक पॉइंट है बेटा, उस पॉइंट का नाम है पी, जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, लेकिन अब की बार डिस्टेंस थोड़ा सा चेंज हुआ है, डिस्टेंस मेरा हुआ है एक्स एक्सिस पर -6 meter, ये -6 meter एक्स इक्वल टू, अगर हम वेक्टर एक्स की बात करें या जिस आर इक्वल टू, अगर हम वेक्टर आर की बात करें बेटा तो -6 और ये आई कंपोनेंट अगर हम ले रहे हैं तो इस तरीके से इतना हो जाएगा। आपको मैग्नेटिक फील्ड का इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है और डायरेक्शन भी, तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन बाय द फ्रॉम द बायोसावर्ट लॉ 4π
और आई डेल एल क्रॉस आर अपान यूनिट वेक्टर आर का होल क्यूब, ये बायो सावर्ट लॉ है बेटा। तो बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4π 10⁻⁷ टेस्ला मीटर अपान एम्पियर, ये होता है। आई की वैल्यू यहां पर आपको गिवन है 2 एम्पियर, और डेल एल की वैल्यू अब की बार बेटा हम लोग 2 × 10⁻³ और यूनिट वेक्टर के। क्रॉस आर की वैल्यू बेटा आपकी बार आपको कितना लेना है -6 और आई, और अपान में वेक्टर मॉड ऑफ वेक्टर आर का होल क्यूब है यानी -6 का होल क्यूब, तो यहां पर हो जाएगा 6 का क्यूब। कितना आ जाएगा बेटा वेक्टर, यहां पर माइनस हमने क्यों नहीं लिखा बेटा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है बेटा, देखिए ये मैग्नीट्यूड है ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 10⁻⁷ 2 6 12 और 2, यहां से हो जाएगा 24 विथ माइनस और के क्रॉस आई और अपान 6 6 36 × 6 216 होगा, तो 216। और बेटा यहां से ये सॉल्व करेंगे आप 38 जा हो जाएगा 37 जा और 3 2 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 और 2 से फिर डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4। यहां पर बेसिकली बी इक्वल टू क्या आएगा 2/18 × 10⁻⁷, ये चल रहा है बेटा, और 10⁻³ और 7 को हम यहीं पर -10 कर देते हैं, तो -10 हो जाएगा और के क्रॉस आई बेटा जो होगा वो जे हो जाएगा विथ माइनस। बी इक्वल टू जो चल रहा है यहां पर 1/9 और 10⁻⁷ और जे। बी इक्वल टू इसको डिवाइड करेंगे बेटा, तो 1 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम्स जाएगा, तो 1 9 1 और 1 1 1 ऐसे आता रहेगा, तो -0.111 10⁻⁻⁰ और यूनिट वेक्टर जे। बी इक्वल टू -1.11 10⁻⁻ⁱ यूनिट वेक्टर जे। तो यहां पर इस वाले पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा वो बी इक्वल टू 1.1 10⁻⁻ⁱ और यूनिट वेक्टर जे, यानी कि जे वाई डैश एक्सिस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बेटा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि अगर ये एक्स हो गया, ये जे हो गया, जेड हो गया, तो इसका जो जे है वो कौन सा कंपोनेंट शो करेगा वाई एक्सिस को, और माइनस है तो मतलब वाई डैश एक्सिस को, तो यहां डायरेक्शन क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड का अलोंग द वाई, अलोंग द वाई डैश एक्सिस, तो माइनस ये यहां पर इंडिकेट करेगा। इसी का थर्ड पॉइंट है बेटा, जब आप जेड एक्सिस में 3 मीटर पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखते हैं जो बोल रहा है उसी को करते चले बेटा, कि हमारा जो आई डेल एल है विद द डेल एल 2 के एक्सिस बना लो आप, तो ये जेड एक्सिस, ये अगर एक्स एक्सिस, और ये मेरा हो गया ओरिजिन, और ओरिजिन को किसी चौक से इसको दिखाते हैं, ये मेरा मैग्नेट है वो सॉरी ये करंट एलिमेंट का सेक्शन है, और जिसमें ये करंट फ्लो हो रहा है आई इक्वल टू 2 एम्पियर। डेल एल वेक्टर जो है वो बेटा डेल एल वेक्टर 2 के मिलीमीटर, या कि ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, इस पर हमने वो एलिमेंट लिया है आई डेल एल, आई डेल एल की वैल्यू यहां पर 2 के मिलीमीटर है, मिलीमीटर को हमने चेंज किया मीटर में, तो 2 × 10⁻³ के यहां पर यूनिट वेक्टर है। ये बोल रहा है आपकी बार आप थर्ड पॉइंट ये बोल रहा है ऑन द जेड एक्सिस जेड इक्वल टू 3 मीटर पर आप
मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। तो जिन्होंने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा है, तो बायो सावर्ट लॉ में बेटा आपने ध्यान से देखा होगा कि किसी पॉइंट पर जब आप मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हो एक छोटे से एलिमेंट की वजह से, तो वहां पर फार्मूला आता है डेल एल क्रॉस आर। तो डेल एल क्रॉस आर को एक्सपेंड करते हो तो डेल एल क्रॉस जो आर है वो आ जाता है डेल एल आर साइन थीटा। बेसिकली जो साइन थीटा है वो इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इन्हीं दोनों डेल एल ये डेल एल और आर के बीच का एंगल होता है। अब आप सोचो कि आपका आर ऐसे चलकर ऐसे वायर पर ही आ गया तो थीटा क्या हुआ, थीटा हमारा जीरो डिग्री हुआ। जब थीटा जीरो डिग्री हुआ यहां थीटा की वैल्यू रखेंगे तो डेल एल आर और साइन जीरो हो जाएगा, और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है कैलकुलेट करेंगे ये आ जाएगा। हाँ एक यहां पर नोट पॉइंट क्या कैलकुलेट होकर आया बेटा कि ऑन द वायर एट एनी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो एंड देयर डायरेक्शन ऑल्सो जीरो। तो वायर के किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखें मैग्नेटिक फील्ड, वायर के सरफेस, वायर के किसी भी पॉइंट पर, करंट कैरिंग कंडक्टर के किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बेटा वो जीरो होता है। इस वाले टर्म का थर्ड वाले का आंसर ये होगा, मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा अकॉर्डिंग टू द बायो सावर्ट लॉ। थैंक यू बेटा।